हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटीआई एजुकेशन। आईटी पास होल्डर्स के लिए न्यू रिक्रूटमेंट निकल कर आ रही है इसरो एलपीएससी यूनिट की ओर से। फाइनली यहां पे आईटी पास होल्डर्स के लिए टेक्नीशियन बी की रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है, तो वीडियो में बने हुए रहिएगा, मैं आप सभी को डिटेल बताऊँगा। शॉर्ट नोटिस अभी आया है, बहुत जल्द फुल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। तो ये नोटिस itieducation.com वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे, यहाँ से आप लोग अप्लाई भी कर पाएंगे। तो itieducation.com वेबसाइट गूगल में सर्च कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए और चैनल पर पहली बार आए होंगे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। गाइस, यह है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो रिलीज किया गया है इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, जिसको हम लोग शॉर्ट में एलपीएससी बोलते हैं। और ये कहां पे स्थित है, ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। एडवर्टिजमेंट संख्या है LPSC/01/2024-19/8/2024 के डेट में यह शॉर्ट नोटिस आया है। यहाँ पे अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए अलग अलग रिक्रूटमेंट है। मैं यहाँ पे बात करूँगा आईटी पास होल्डर्स के लिए, तो आईटी पास होल्डर्स के लिए टेक्नीशियन बी का रिक्रूटमेंट निकाला गया है। लेवल थ्री का सैलरी मिलेगा 21,700 लेकर के 69,100। यहाँ पे ट्रेड वाइज में बात करूँ तो वेल्डर ट्रेड में यहाँ पे एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आया हुआ है। क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो 10th पास रहना चाहिए, आईटीआई पास रहना चाहिए एनसीबीटी बोर्ड से, ठीक है। अगर आप लोगों ने आईटी कर रखा है या आप लोग के पास में अप्रेंटिसशिप है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे ओनली एनसीबीटी बोर्ड, यानी कि 10th और आईटीआई। अगर अप्रेंटिसशिप है तो भी अप्लाई कर पाएंगे, अगर नहीं है तो भी अप्लाई कर पाएंगे। फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे आईटी वाले। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में दो पोस्ट है, यहाँ पर भी आईटी रहना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में एनसीबीटी बोर्ड में। टर्नर में देखिएगा तो टर्नर में एक पोस्ट है, यहाँ पे आईटी पास रहना चाहिए टर्नर ट्रेड में। उसी तरीके से मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में एक पोस्ट है, यहाँ पे आईटी पास रहना चाहिए मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में। फीटर ट्रेड में बात करूँ तो फीटर ट्रेड में टोटल 5 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आया हुआ है, यहाँ पर आईटी पास रहना चाहिए फीटर ट्रेड में एनसीबीटी बोर्ड में। वहीं पर मशीनिस्ट में देखिएगा तो मशीनिस्ट में कुल एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आया हुआ है और यहाँ पे आईटी पास होना चाहिए मशीनिस्ट ट्रेड में एनसीबीटी बोर्ड में। तो गाइज, इतने ट्रेडों को मौका दिया गया है इसरो एलपीएससी की ओर से, बाद बाकी यहाँ पे कोई अन ट्रेड नहीं दिया गया है। बाद बाकी डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी है और आईटी वालों के लिए वैकेंसी है। बाद बाकी ये शॉर्ट नोटिस आया है, बाद बाकी कुछ अन पोस्ट पर है जो 10th वगैरह पर है, तो ये भी आप सभी देख सकते हैं। मैं बात करूँ इस फॉर्म को आप लोग कब से भर पाएंगे ऑनलाइन, तो ये फॉर्म जो है 27 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और 9 यानी कि 10 सितंबर 2024 तक इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल कर सकते हैं गाइज। तो ये अभी शॉर्ट नोटिस आया है, बहुत जल्द फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा गाइज, और आने वाले दिनों में और भी वैकेंसी आएगा, तो उसके लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा ताकि आप लोग के पास में नोटिस पहुँचे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फुल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं itieducation.com वेबसाइट पर अपडेट कर दूंगा। बाद बाकी इतने पोस्टों पर यहाँ पर रिक्रूटमेंट आया है, नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ा सा कम है लेकिन जो था मैं आप लोग को बता दिया हूँ। बाद बाकी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, मिलूंगा नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।